दोस्तों, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते वक्त हमारी बॉडी में फोर आर्म्स काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर आपके फोर आर्म्स स्ट्रांग होंगे तो फिर कोई भी भारी से भारी वेट लिफ्ट करना या अपनी ही बॉडी लिफ्ट करना काफी इजी हो जाता है। जिस तरह से हम सभी लोग अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करते हैं स्ट्रांग बनाने के लिए, उसी तरह हमें अपने फोर आर्म्स को ट्रेन करना भी उतना ही जरूरी होता है। आइए जानते हैं फोर आर्म्स को ट्रेन करने की कुछ बेहद खास एक्सरसाइज के बारे में। इन सभी एक्सरसाइज को आप जिम में भी कर सकते हैं और अपने घर पर भी। सबसे पहले एक्सरसाइज आती है फिंगर पुशअप्स। शायद आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि अलग अलग तरह के पुशअप्स करके आप अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं। उन्हीं में से एक ये फिंगर पुशअप्स एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आप अपनी नी पर परफॉर्म करेंगे। कुछ इस तरह से आपको अपनी नी को फ्लोर पर रखकर पुशअप्स पोजीशन में आकर इस तरह से अपनी बॉडी को अपनी फिंगर से ऊपर नीचे करना है। शुरुआत में ये करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल होगा, तो वो लोग दोनों हाथों से एक साथ ना करके एक हाथ से कर सकते हैं। एक हाथ तो पुशअप पोजीशन में रहने दे और दूसरे हाथ की फिंगर से अप एंड डाउन फिंगर पुशअप्स करें। पहले राइट हैंड से करें, फिर लेफ्ट हैंड से करें, फिर राइट हैंड से, फिर लेफ्ट से, और इसी तरह कंटिन्यू करें। प्रॉपरली इस एक्सरसाइज को करें और कम से कम 3 सेट्स लगाएं और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशंस लगाने की। सेकेंड एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे प्रोनेशन एंड सुपिनेशन मूवमेंट को। इस एक्सरसाइज को अगर आप जिम में करना चाहते हैं तो आप डंबल का यूज कर सकते हैं, और अगर आप घर पर करना चाहते हैं तो आप पानी की बोतल या ऐसी छोटी भारी चीज का यूज कर सकते हैं। डंबल को कोने से पकड़ने के बाद इसको राइट एंड लेफ्ट मूव करेंगे। इस तरह से 2-2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। बहुत जल्दी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं करना है। राइट मूव करेंगे तो 2 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर इसी तरह लेफ्ट में भी 2 सेकंड होल्ड करेंगे। इसके भी आपको 3 सेट्स लगाने हैं 15-20 रिपीटेशंस के। ये एक्सरसाइज हमारे फोर आर्म्स के लिए काफी बेनिफिशियल है, तो इसको ध्यान से और काफी अच्छे से परफॉर्म करना है आपको। इस एक्सरसाइज में हम किसी डंडे या किसी रॉड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप डंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डंडे के बीच में कोई रस्सी या मोटा कपड़ा बांधकर उसमें थोड़ा सा वजन बांध लें और फिर रोल अप करें, फिर इस तरह धीरे धीरे रिलीज करें। रॉड भारी होती है इसलिए उसमें आपको वजन की जरूरत नहीं है शुरुआत में, लेकिन बाद में वजन ऐड करते जाना है। इसके भी आप 3 सेट्स लगा सकते हैं 15-20 रिपीटेशंस के। इस एक्सरसाइज में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको इस एक्सरसाइज में वजन को होल्ड करके खड़ा रहना होता है। मेन चीज इसमें ये है कि आपको अपने फिंगर की हेल्प से वेट को होल्ड करना होगा, तभी इसका स्ट्रेन आपके फोर आर्म्स पर आएगा। इस एक्सरसाइज के लिए आप घर पर किसी बॉक्स का यूज कर सकते हैं और जिम में किसी वेट प्लेट का यूज कर सकते हैं। क्योंकि इस एक्सरसाइज में कोई रिपीटेशंस नहीं है इसलिए इस एक्सरसाइज को आप सेकंड्स के हिसाब से करेंगे और कम से कम 4 सेट्स लगाएंगे। जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतने सेकंड्स तक होल्ड करें और धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाते रहें। इस एक्सरसाइज में हम अपनी रिस्ट की मूवमेंट को चेंज करेंगे और कुछ इस तरह से परफॉर्म करेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए भी आप पानी की बोतल या फिर छोटे डंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में करने के बाद कुछ इस तरह से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। अप करेंगे और 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर डाउन करेंगे और 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। इसी तरह से करते जाना है, जल्दी जल्दी बिल्कुल नहीं करना है। 20 रिपीटेशंस इसके करें और 3 सेट्स लगाएं। इस एक्सरसाइज में आपको किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। इस एक्सरसाइज को आप कहीं पर लटक कर परफॉर्म करेंगे, अपने घर में या जिम में कहीं भी लटक कर अपनी बॉडी को एक हाथ से होल्ड करेंगे कुछ देर के लिए, फिर सेम इसी तरह दूसरे हाथ से होल्ड करेंगे। 1x1 दोनों हाथों को ट्रेन करना है। इस एक्सरसाइज से आपके फोर आर्म्स तो ट्रेन होंगे ही और साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथ भी बिल्ड होगी। जब आप इस तरह से अपने एक हाथ से लटकेंगे तो आप देखोगे कि आपके फोर आर्म्स पर कितना प्रेशर क्रिएट होगा, और फिर यही प्रेशर आपके फोर आर्म्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करेगा। इसमें भी कोई रिपीटेशंस नहीं है इसलिए इस एक्सरसाइज को भी आप सेकंड्स के हिसाब से परफॉर्म करेंगे। जितने सेकंड्स भी आप होल्ड कर पाएं इसके 4 सेट्स आपको लगाने हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल 24 बिलियन से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ।